सो फ्रेंड, जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज के वीडियो किस टॉपिक में होने वाला है, तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एम आई रेडमी एयर डॉट्स की। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, हमारे पास ये अवेलेबल है। तो आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और आप लोग को बताने वाला हूं कि इसके बॉक्स कंटेंट में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो इस पूरे वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आप लोग को ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है और आप इसे बाय करना चाहते हैं तो आप इसे banggood.com से बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, और उसके साथ एक कूपन कोड भी आप लोगों के लिए दिया हुआ है। तो अगर आप जाकर मेरे लिंक से उसे परचेस करते हैं और उस कूपन कोड को अप्लाई करते हैं तो आप लोग को 1200 रुपये तक का हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी इसकी जो प्राइस है banggood.com में वो 2700 से 2800 रुपये चल रही है, लेकिन अगर आप मेरे लिंक से जाते हैं और मेरे कूपन कोड को अप्लाई करते हैं तो आप लोग को 1200 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना हैवी डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर आप इसे बाई करना चाहते हैं तो उससे बाई कर सकते हैं। तो चलिए आप इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों को इस बॉक्स में क्या क्या देखने को मिल जाता है। सो हाई फ्रेंड्स, मैं हूँ विवेक, आप देख रहे हैं शर्मा जी ब्रदर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो फ्रेंड, चलिए अपने एयर डॉट्स को अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में ये आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम आई की ब्रांडिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडमी एयर डॉट्स लिखे हुए हैं। जस्ट उसके नीचे अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चाइनीज़ में लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ लिखा हुआ मिल जाएगा जो कि 5.0। इसका मतलब ये है कि ये 5.0 टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। बैक साइड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं सारी चीज़ें चाइनीज़ में लिखी हुई हैं। तो इसे हम लोग स्किप कर देते हैं और सीधा अनबॉक्स करते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो यहाँ से हम इसे अनबॉक्स कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, तो ये बॉक्स मैं कर लेता हूँ साइड में। तो यहाँ पर अनबॉक्स करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो एयर डॉट्स का केस है वो आप लोगों को मिल जाएगा देखने को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसे भी हटा लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैट ब्लैक फिनिश में आता है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी छोटा सा क्यूट सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडमी की ब्रांडिंग है जो कि शाइनी ब्लैक कलर में लिखी हुई है। मैं बैक साइड से भी दिखा दूँ तो बैक साइड में इसके सारे कॉन्टेक्ट चाइनीज़ में ही लिखे हुए हैं। तो फिलहाल हम लोग इसे स्किप करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बैक साइड अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग एक चार्जिंग स्लॉट दिया गया है जिससे आप अपने इस केस को चार्ज कर पाएंगे। इसमें आप लोग को 300 mAh की बैटरी मिल जाती है। चलिए मैं इसे आप लोग को एक बार ओपन करके दिखा दूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां हमारे एयर डॉट्स रखे हुए हैं। ये देखिए, तो चलिए फिलहाल तो मैं इसे साइड में कर लेता हूं और देख लेते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा ईयर कप्स मिल जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग साइज़ के ईयर कप्स आपको मिल जाते हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इन्हें उपयोग कर सकते हैं। इसे साइड में कर लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं और क्या है। तो यहाँ पे हम लोग को एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप लोग को एम आई की ब्रांडिंग मिल जाएगी। मैं आप लोग एक बार फोकस करके दिखा दूँ, रेडमी एयर डॉट्स लिखे हुए हैं और बाकी की चीज़ें यहाँ पर चाइनीज़ में लिखी हुई हैं। तो इसे हम लोग कर लेते हैं स्किप। तो इसे मैं हटा लेता हूँ, उसके बाद आते हैं मेन प्रोडक्ट की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है हमारा मेन प्रोडक्ट और ये देखने में काफ़ी छोटा सा है, प्यारा सा है। चलिए मैं इसमें से आपके ईयर डॉट्स निकाल कर दिखा देता हूँ आप लोगों को, एयर डॉट्स निकाल कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप लोग को मैट ब्लैक फिनिश में ही मिलेगा। तो ये राइट साइड वाला हम लोग पहले ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इसे बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर आप लोग को एक ब्लिंक करती हुई लाइट दिख जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो एयर डॉट्स हैं ये पेयरिंग के लिए रेडी हैं। तो आप लोग को सिंपली अब करना ये है, अपने स्मार्टफोन को लेना है। तो मैं आप लोग को इसे जल्दी से पेयर करके पहले दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो एयर डॉट्स है वो यहाँ पर पेयर हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडमी एयर डॉट्स आर लिखा हुआ है, यानी कि ये राइट साइड है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग को राइट साइड को ही ऑन करके पेयर करना है, उसके बाद जो लेफ्ट वाला है वो ऑटोमेटिक पेयर हो जाएगा। वो कैसे, वो भी मैं आप लोगों को निकाल कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑन हो जाएगा, ऑन होने के बाद ये ऑटोमेटिक पेयर हो जाते हैं। तो ये दोनों ही पेयर हो चुके हैं, राइट वाला भी और लेफ्ट वाला भी, आप अपने म्यूज़िक को इन्जॉय कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप लोग को 40 mAh की बैटरी मिल जाएगी। इसमें अलग से 40 mAh की है, इसमें अलग से 40 mAh की है। तो दोनों की जो बैटरी लाइफ है, अगर आप नॉन स्टॉप अगर इसे यूज करते हैं तो लगभग 3 घंटे के आसपास आप लोग को म्यूजिक प्लेबैक दे देंगी। और यहां पे इसका जो केस है, यहां पर आप लोग को अलग से एक 300 mAh की बैटरी मिलती है। तो अगर आपका यूज नहीं है तो आप अपने ईयर डॉट्स को कुछ इस तरीके से यहां पर रख दीजिए, और ये मैग्नेटिक है तो यहाँ पर ये जाकर बैठ जाते हैं। ये देखिए, और यहाँ पे आप लोग को रेड लाइट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप अगर इसे यूज़ नहीं करेंगे और आप अपने केस में रख देंगे तो ये यहाँ पर चार्ज होते रहता है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, 40 mAh 40 mAh दोनों मिला के 80 mAh हो जाते हैं। और इनको चार्ज करने के लिए इसकी कैपेसिटी, मतलब इस केस की कैपेसिटी 300 mAh की है। तो आप इसे बड़ी ही आसानी से लगभग 2 बार या 3 बार चार्ज कर पाएंगे। तो उससे इसकी बैटरी लाइफ जो है काफ़ी बढ़ जाती है। इसके केस की जैसे ही बैटरी लो हो जाएगी तो आपको सिंपली यहां पर अपने मोबाइल के चार्जर को कनेक्ट करना है और आप इस केस को चार्ज कर पाएंगे। और चार्ज करने के बाद ये ऑटोमेटिक इन्हें वापस से चार्ज कर देती हैं, उसके बाद आप बड़ी आसानी से इन्हें यूज कर सकते हैं। यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, यहां पर आप लोगों को चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाएंगे, यहां पर आप देख सकते हैं जैसा कि। और यहाँ पर आप लोग को नीचे में ये देखिए, यहाँ पर ये चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाते हैं और ये मैग्नेटिक है। जैसे ही आप इसे यहाँ पर रखेंगे,
ये देखिए ये ऑटोमेटिक जाकर बैठ जाएगा, और आप इसे अगर यहाँ पे पलट भी देंगे या हिलाएंगे भी तो ये गिरेगा नहीं, क्योंकि कम्प्लीटली ये मैग्नेटिक है। मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से, और ये देखिए तो यहाँ पर गिरता नहीं है, तो ये अच्छी चीज़ है। जैसे ही आप इसे निकालेंगे ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और आप इसे आराम से यूज़ कर पाएंगे अपने डिवाइस से कनेक्ट करके। अगर आपके डिवाइस का बीटी ऑन है और आप इसे जैसे ही बाहर निकाल के अपने कान पर लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिक पेयर हो जाता है और आप इसे यूज़ कर पाएंगे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसे मैं लगभग 2 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और इसकी जो क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। मैं आप लोग को सारी चीज़ें डिटेल में और बताऊंगा आगे, उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर इसका एक कवर भी आता है, तो ये रेड कलर में मेरे पास है, तो इसे भी मैं आप लोग को लगा कर दिखा देता हूँ। ये देखिए तो ये कवर कम्प्लीटली काम ये करता है कि आपका जो केस है इसको सुरक्षित रखेगा, अगर ये गिरता है तो इसे डैमेज नहीं होने देगा एकदम से, और स्क्रेच से भी बचाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे इस पोर्ट के हिसाब से आप इसे अच्छे से लगा सकते हैं, और ये इसका ऊपर का कवर है, इसे भी आप बड़ी आसानी से कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। ये देखिए लगने के बाद कंप्लीट आपका जो यहाँ पर केस है वो कंप्लीट रेड कलर में हो जाएगा, और इसमें अलग कलर ऑप्शन भी है तो आप उन्हें भी बाई कर सकते हैं, और ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए और ये कंप्लीट रबड़ का बना हुआ है, ये देखिए इसे आप यहाँ से बड़ी आसानी से ओपन भी कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि इसको आपको बार बार निकालना पड़ेगा, आप इसे लगे लगे हुए भी ये देखिए ओपन कर सकते हैं। ये देखिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को लाइट जलता हुआ दिख रहा है, तो आप लोगों को सिंपली करना ये है कि इन्हें अगर आप निकाल लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद वापस इसे रखते हैं तो ये ऑटोमेटिक चार्जिंग मोड पर चला जाता है। ये देखिए और यहाँ पर आप लोगों को रेड साइन देखने को मिल जाएगा, जैसे ये रेड लाइट यहाँ पर ऑन होती है इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका जो यहाँ पर एयर डॉट्स हैं वो चार्ज पे चले गए हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप इन्हें यूज़ करते हैं, इनकी बैटरी लो होती है, उसके बाद जैसे ही आपका यूज़ कम्प्लीट हो जाता है आप इसे वापस जैसे केस से निकालते हैं, यूज़ करते हैं 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आपके यूजेस हैं, उसके बाद इनको वापस रख देते हैं तो ये ऑटोमेटिक वापस चार्ज होने लग जाता है, और यहाँ पर आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होती। और जैसे ही आप इन्हें 2 घंटे 3 घंटे जितने भी देर बाद आपको यूज़ करना और आप निकालते हैं तो ये आपको 100% चार्ज में मिलता है, तो ये फ़ायदा हो जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, जब इसे फर्स्ट टाइम आप बाई करते हैं तो यहाँ पे एक झिल्ली लगी होती है, यहाँ पे एक शील्ड लगा होता है, या फिर यहाँ पे आप लोगों को ब्लू कलर का मिल जाएगा यहाँ पर, तो होता ये है कि ये उस समय चार्ज नहीं होता और ये जो आपका ईयर डॉट्स है मतलब ईयरफोन है ये ऑफ होता है। अगर आपको इसे ऑफ करना है तो सिंपली मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इससे पहले मैं साइड में कर लेता हूँ। अगर आपको इसे ऑफ करना है तो आप लोगों को सिंपली करना यह है, इसे टैब एंड होल्ड करके रखना है 5 सेकंड के लिए, और जैसे ही आप 5 सेकंड के लिए इसे टैब एंड होल्ड करके रखोगे तो ये देखिए रेड कलर में जलेगा और ये ऑफ हो जाएगा। अब ये ऑफ हो चुका है। अगर आप लोग को इसे ऑन करना है तो सिंपली आप लोग को करना ये है कि यहाँ पे आपका जो बटन दिया है उसे टैब एंड होल्ड करना है 5 सेकंड के लिए और ये ऑन हो जाएगा, और ये जैसे ही ऑन होगा ये पेयर के लिए तैयार है। तो कुछ इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई है, और इसकी जो बाकी की चीज़ें हैं ये कैसा लगा, इसकी बेस क्वालिटी कैसी है, इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, वो मैं आपके सामने आकर आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड, इन ईयरडॉट्स को मैं लगभग 2 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और इसे यूज़ करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और देखने में भी काफ़ी छोटा सा और क्यूट सा है। तो आप अगर इन्हें अपने कानों पर पहनते हैं कुछ इस तरीके से जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखिए तो ये बहुत ही आसानी से फिट हो जाते हैं और बहुत हल्के होने के कारण आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने कान में कुछ पहना हुआ है। तो इस तरीके से आप इन्हें घंटों यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और एक चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसकी म्यूजिक क्वालिटी कैसी है, इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसका जो बेस है वो काफी ज्यादा अच्छा है। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, इसका बेस ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, बिल्कुल आपको बैलेंस बेस मिलेगा, पंची बेस मिलेगा और काफी डीप बेस आप लोग को देखने को मिलेगा इस एयरडॉट्स में। अगर बात करूं मैं बाकी चीजों के बारे में तो ट्रबल काफी अच्छा है, म्यूजिक सेपरेशन काफी अच्छा है, ओकल्स भी काफी अच्छे हैं। अगर आप लोग को अपने म्यूजिक प्लेयर से हल्का सा भी खेलना आता है मतलब म्यूजिक प्लेयर सेट करना आता है तो ये जो है कमाल का आप लोग को ऑडियो निकालकर दे देता है। और ये कान में पहनना भी काफी आसान है, मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूं। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप राइट वाले को पहन सकते हैं और कुछ इस तरीके से लेफ्ट वाले को पहन सकते हैं। तो दोनों को पहनने के बाद आप देख सकते हैं मेरे कान में काफी ज्यादा फिट हो चुके हैं, बिल्कुल भी कहीं पे भी गेप नहीं है और बिल्कुल अच्छे से ये बैठ चुके हैं। अगर मैं अपने सिर को कुछ इस तरीके से हिलाऊं या दौड़ूं या फिर मैं बहुत ज्यादा हिलूं तो भी ये मेरे कान से निकलकर नहीं गिरने वाले। इसकी जो फिटिंग है वो काफी अच्छी है। पेयर करना भी इसे काफी आसान है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था आपको सिर्फ राइट वाले को ऑन करना है, लेफ्ट वाले को ऑन करना है, ये ऑटोमेटिक एक दूसरे से पेयर हो जाते हैं। उसके बाद आपको अपने डिवाइस का बीटी ऑन करना है और आप बड़ी आसानी से इन्हें पेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका केस भी मैं आप लोग को दिखा दूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये केस भी काफी छोटा सा क्यूट सा है, और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि इसका जो केस है वो चार्ज भी कर सकता है आपके एयरडॉट्स को, तो आप बड़ी आसानी से इस केस के साथ साथ इसे चार्ज भी कर सकते हैं, तो आपकी बैटरी बैकअप और बढ़ जाती है। और मैं आप लोग को एक चीज बता देना चाहता हूं, जैसा कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया है, अगर आप इसे लेने में इंटरेस्टेड हैं तो ये banggood.com में आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन मैं आप लोग को फिर से बता देता हूं कि मैंने लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आप उस लिंक
लिंक से जाकर इसे परचेज करते हैं और मैंने एक कूपन कोड भी दिया हुआ है, उस कूपन कोड को अगर अप्लाई करते हैं तो आपको 1200 रुपये तक का हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसा कि मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि banggood.com में इसका जो प्राइस चल रहा है अभी 2700 से 2800 रुपये में चल रहा है, अगर आप उस कूपन कोड को अप्लाई करते हैं मेरे लिंक के थ्रू जाकर तो आपको 1200 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है, तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप इसे बाय करना चाहते हैं तो मेरे लिंक से जाकर इसे बाय कर सकते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं आप लोग के लिए नए नए वीडियोस लेकर आते रहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।